सब्सक्राइब करें आरजे टेक्नोलॉजी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित राज, आप देख रहे हैं आरजे टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारा जो नेट होता है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है, जो डाटा प्लान होता है उसके थ्रू जो हमें MB मिलती है या GB में नेट मिलता है या जो भी मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्च होता है। जितना हम यूज नहीं करते उससे ज्यादा खर्च होता है। आप सोच के देखिए, आज से 2 साल पहले भी जब हमें 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए, वो हमारा 1 महीने तक चलता था। लेकिन आजकल क्या है कि 1 GB हमारा 1 दिन के लिए नहीं चल रहा है। वो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने नेट को बचाए रखेंगे, मतलब कैसे बचाना है आपको अपने नेट को, जो आपका नेट फालतू खर्च हो रहा है, इधर उधर खर्च हो रहा है। वैसे अगर आपको मतलब कोई कमी नहीं है, आप एक तरह से मतलब हाँ यार खर्च हो रहा है होने दो, और बहुत सारे पैसे हैं, दोबारा रिचार्ज करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, तो वीडियो आपके लिए नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको मतलब प्रॉब्लम होती है कि यार हमारा नेट इतनी जल्दी खर्च हो रहा है, अगली बार हम रिचार्ज कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने मोबाइल में जाते हैं, कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ जिसके कारण हमारा जो नेट है वो फालतू का खर्च होता है। हम यूज भी नहीं करते फिर भी हमारा नेट फालतू में खर्च हो जाता है दोस्तों। तो बहुत यूजफुल आपकी सेटिंग है, वो हम पहले अपने मोबाइल में देख लेते हैं, बाकी हम जो बात है वो बाद में और करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अपने मोबाइल में आ चुके हैं, तो अब मैं बता दूंगा आपको सबसे पहली जो सेटिंग है आपकी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम सेटिंग में जाएंगे, तो सेटिंग में नॉर्मली हम अपने मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में जाएंगे, जो कि हमें हर मोबाइल में थोड़ा सा ढूंढने पे आसानी से मिल जाती है। जैसे ये मोबाइल आपका है वीवो V7 है प्लस, तो इसमें इस तरह से है आपकी। मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद हमें कुछ सिम की सेटिंग्स मिलती हैं, लेकिन इसके नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं, बहुत कम लोग स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे, लेकिन हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें बहुत सारी एप्स ये देखने को मिलेंगे, मतलब जितनी भी हमारे में इंस्टॉल है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि ये हमारा मतलब सबसे ज्यादा डाटा खाने वाला जो आपका फंक्शन है, वो मैं पहली सेटिंग बता रहा हूँ, इसमें हमारा सबसे ज्यादा डाटा खर्च होता है। तो हम नॉर्मली इनमें से ऐप देखते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एडसेंस, इस पे आपका जो है इसको परमिशन दे रखी है हमने मतलब डाटा की, तो ये तो मतलब परमिशन लायक है हमारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐप लॉक, तो दोस्तों इसमें आपकी परमिशन की क्या जरूरत है, आप सोच के देखिए ऐप लॉक में क्या परमिशन की जरूरत है, जो नेट की क्या नेट का होगा ऐप लॉक में, कुछ नहीं होगा, तो इस परमिशन को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद अगर हम करते हैं V16 12, ये आपका कैमरा है, आप जानते होंगे ब्यूटी मोड वाला, तो इसमें आपकी क्या जरूरत है फोटो खींचने के लिए आपको नेट की, इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। इसके बाद हम जाते हैं कॉल बॉक्स, इसमें तो जरूरत है आपकी, ड्रॉप बॉक्स इसमें भी जरूरत है, डंपस्टर ये भी, ये है ईयर एजेंट, ये आपकी है जो माय आवाज है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है, तो इसमें दोस्तों क्या नेट की जरूरत है, इसको भी परमिशन दे रखी है। ये परमिशन हम कब देते हैं, हम अपने हाथ से देते हैं, जब भी हम अपनी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें परमिशन मांगता है, तो अलाउ 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 करते जाते हैं सारी परमिशन, तब ये परमिशन डाटा की परमिशन आ जाती है, जिससे क्या होता है हमारा ये बैकग्राउंड में ये भी डाटा ये खाती रहती है, ये सारी ऐप्स हैं वो हमारा इंटरनेट का डाटा है वो खाती रहती है, तो इसको भी ऑफ करिए दोस्तों। इसके बाद बहुत सारी हम देखते हैं, जैसे कि ईवो फेशियल माउस, इसकी भी इसमें भी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं फेसबुक, इसको तो जरूरत है, इसके बाद इनको सबको जरूरत है नेट की, हाँ हिंदू पंचांग कैलेंडर, दोस्तों इसमें तो कोई नेट का 1% काम ही नहीं है कैसा भी, फिर भी इस पे नेट की परमिशन है। तो मतलब ये नेट हमारा कैसे खाते ना, मतलब जो डेवलपर होते ना ऐप को बनाने वाले, तो वो बहुत सारे एड्स ऐप में डाल देते हैं, भर भर के ऐड डाल देते हैं, जिससे आपका नेट खुला रहता है, तो उनके एड्स आपके शो कराते रहते हैं, आपका नेट खर्च होता रहता है, तो इसको परमिशन को ऑफ करिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं ये इमेज टू PDF, फोटो को PDF में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी कोई आपकी नेट की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखते हैं काइन मास्टर, इसमें भी कोई नेट की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं ये आपका इंग्लिश सीखे, तो इसमें भी कोई ऐप की जरूरत नहीं है, ये मैंने अपने लिए नहीं, मेरे स्कूल के बच्चों के लिए मैंने डाउनलोड कर रखा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं Paytm में जरूरत है आपकी, हाँ फोटो लेयर, ये एक आपको फोटो एडिटर है, इसमें बिल्कुल भी कोई नेट की जरूरत नहीं है, फिर भी नेट की परमिशन दी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिवर्स, ये जानते होंगे वीडियो एडिटर है, इसमें कोई नेट की जरूरत नहीं है, और सी एडिट में कोई नेट की जरूरत नहीं है।
हाँ इसमें सीआरएन में मोबाइल नेटवर्क की जरूरत हो सकती है, इसको ऑन कर देते हैं क्योंकि मोबाइल नेटवर्क के थ्रू चलता है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल ट्रिक्स, टेक्निकल आईफोन ट्रांसलेटर, इशू मिनी, यमंक, ये सभी सभी को सही है, सही है, सही है, सही है। बाकी दोस्तों सारी ऐप हमारी चाहिए, तो कम से कम दोस्तों आपके सामने ही मैंने अपनी 10 ऐप ऐसी थी जिन्हें 10 नहीं मतलब 10 से 15 ऐप तक ऐसी थी जिन्हें नेट की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उनको नेट की परमिशन थी और उन पे एड्स आते थे, तो हमारा नेट से बहुत ज्यादा खर्च होता था दोस्तों। तो कभी कभी आप देखिए अगर हम नेट ऑन कर दीजिए अपने मोबाइल का, बस अच्छे नेटवर्क आ रहे हो अपने मोबाइल में, आप मोबाइल को रख दीजिए, आप सुबह से शाम तक देखेंगे आपका कम से कम 200-250 MB आपका डाटा खर्च हो चुका होगा। तो ये इसी की वजह से होता है, उसकी बहुत बड़ा पॉइंट है, हम सोचते नहीं इस बारे में। अगली अगर हम सेटिंग की बात करते हैं अपनी, तो दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए हम फेसबुक यूज कर रहे हैं अपनी, तो हम फेसबुक यूज करके हमने बंद कर दिया। अब हमें पता है कि फेसबुक हमें शाम तक यूज नहीं करनी है अपनी, या फेसबुक छोड़िए फेसबुक पे मैसेज वगैरह आते रहते हैं, बाकी ऐप्स हैं जैसे मान लीजिए जो इनमें हमने परमिशन नहीं दे रखी थी, जैसे है हमारी देख लेते हैं, मोर सेटिंग में जाते हैं, सारे ऑल ऐप्स में जाते हैं, एप्लीकेशन, इसके बाद हम जाते हैं ऑल पे, जैसे दोस्तों आपका ये है असिस्टेंट, तो ये हमारा अभी खुला हुआ है, ये ऐप अभी चल रही है, तो इसको हम फोर्स स्टॉप यहाँ से कर देंगे दोस्तों, ये फोर्स स्टॉप हमारी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारी ये ऐप बैकग्राउंड में भी नहीं चलेगी, जिससे कि हमारा डाटा खर्च नहीं होगा, इससे मतलब ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता है आपका डाटा में, जो मैंने पहली सेटिंग बताई थी उससे आपका डाटा बहुत ज्यादा बचाया जा सकता है, फिर भी इससे थोड़ा बहुत होता है, तो हम इसको कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या जाता है मतलब फिर भी आप जैसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है हम शाम तक फेसबुक नहीं यूज कर रहे हैं, हम मैसेज इसके नहीं देखेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं, इसको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, तो ये आपकी है जो फोर्स स्टॉप हो जाएगी मतलब दोस्तों। लेकिन इससे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी है आपका मोबाइल पे, थोड़ा परफॉर्मेंस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। करता हूं कि दोस्तों जो भी मैंने सेटिंग बताई है आपको मोबाइल में, आपको सारी सेटिंग समझ में आ गई होगी, और इसके बाद अगर मैं कुछ और अपनी तरफ से कुछ आपको टिप्स देना चाहूँ, तो उसमें आपके लिए सबसे पहला टिप्स मेरा यही रहेगा दोस्तों कि आप जितनी भी एप्स हैं आपकी, वो सारी आप लाइट वेट की ऐप यूज करें। जो हाई वेट की ऐप होती है ना, जैसे मान लीजिए आपका एक आता है फेसबुक लाइट और एक आता है आपका फेसबुक जो नॉर्मली आपका फेसबुक होता है, तो इन दोनों में मतलब ये है, अगर एक घंटे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, एक घंटे फेसबुक लाइट यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो मतलब बहुत ही आपका डिफरेंस होने वाला है आपका नेट खर्च होने में। जैसे कि दोस्तों क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं अपना जो नेट होता है बहुत डिफरेंस आएगा आपका। जैसे मान लीजिए एक घंटे में अगर उसने 100 MB आपने आपकी खत्म ली है, इधर आपकी फेसबुक लाइट में सिर्फ 20 MB या 25 MB, मान लीजिए 30 MB खर्च होने वाली है, फिर भी आपका पूरा 70 MB डाटा आपका बचा एक घंटे में। इसी तरह से बहुत सारी आपकी लाइट वेट की ऐप आती है, जैसे आप यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, तो यूसी ब्राउजर यूज करने के लिए, जैसे फिलहाल तो यूसी ब्राउजर नहीं है प्ले स्टोर पे, लेकिन फिर भी आप बहुत से लोग यूज कर रहे होंगे, तो यूसी ब्राउजर आप ना यूज करके आप यूसी ब्राउजर की लाइट वेट वाली ऐप यूज करिए, जो मतलब अभी आपको नहीं मिलने वाली प्ले स्टोर पे, लेकिन फिर भी ओपेरा मिनी ले लीजिए, यूसी ब्राउजर हटाइए, तो ओपेरा मिनी की एक हाई वेट वाली ऐप होती है, मतलब काफी उसमें हमें फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन एक लाइट ओपेरा मिनी होता है, मिनी ओपेरा ओपेरा बोलते हैं जिसे, उसको आप यूज करके देखिए अपने मोबाइल में, बहुत आपको डिफरेंस मिलने वाला है। इसी तरह से बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके लाइट वर्जन भी बनाए गए हैं दोस्तों, हर ऐप का लाइट वर्जन है, सिर्फ आपकी व्हाट्सएप को छोड़ के बाकी सभी ऐप्स के लाइट वर्जन बनाए गए हैं दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो बहुत कमाल का है यार ये। जैसे कि मान लीजिए आप जो फेसबुक है उससे मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल फेसबुक यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने पोस्ट अपडेट करना है, दूसरे को पोस्ट लाइक करना है, कमेंट करना है, किसी से चैटिंग करना है, या इस तरह के कुछ भी आप यूज करते हैं दोस्तों, तो आप सिर्फ लाइट ही यूज करिए, फेसबुक लाइट को यूज करिए, जहां तक कि मेरी सलाह होगी दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों जो भी मैंने आपको सेटिंग बताई सारी सेटिंग आपको समझ में आई होगी दोस्तों, और जो भी इसमें बताया था वीडियो मैंने अपना जो एक्स्ट्रा डाटा है वो कैसे बताएंगे हम, बाकी जो एप्स वगैरह है उनकी परमिशन वगैरह जो भी बताया था वो सब बंद करके रखिए दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को नीचे लाइक करिए, और नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा इस साइड में आपको नीचे
लाल कलर का, उसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी हर एक वीडियो का। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई शिकायत है, आपकी कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई तूने ये बात हमें सही नहीं बताई, ये बात ये हमें अच्छी नहीं लगी दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद ही आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। मतलब यार लाइक से देखो ना तो मेरा फायदा हो रहा है ना आपका फायदा हो रहा है लाइक करने से, पर मेरा क्या फायदा होगा ये है यार, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे एकदम एक एनर्जी सी आ जाती है अंदर कि हाँ बंदे लाइक कर रहे हैं मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से बनाऊ अपनी। और क्या होता है मतलब अगर आप लाइक नहीं करते हो ना कोई कमेंट करके जाते हो अच्छी चीज, तो क्या होता है यार बंदे देखे गए मतलब मेरा अच्छा नहीं लगा उन्हें बोलना, तो मतलब ये बात है बस लाइक से दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, मतलब किसी की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना उसे। तो चलिए दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं नई ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।